इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये स्मारक मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक है और ये एक सुल्तान की जीत की याद दिलाता है। ये है कोशक महल, जिसका निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने सन 1445 में करवाया था। हालांकि इस महल का काफी हिस्सा अब बचा नहीं है, मगर मौजूदा स्मारक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक जमाने में यह कितना भव्य रहा होगा। महमूद शाह प्रथम ने सन 1436 में मालवा सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उन्हें महमूद खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार दिलावर खान गौरी ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और मालवा पर अपनी स्वतंत्र सल्तनत कायम कर ली। उनके उत्तराधिकारी अल्प खान के शासनकाल में मांडू शहर मालवा सल्तनत की राजधानी बन गया। महमूद खिलजी के दौर में मालवा सल्तनत ने नई ऊंचाइयां हासिल की। महमूद खिलजी ने कला, शिक्षा और वास्तुकला को खूब बढ़ावा दिया। मांडू में आज भी उनके दौर के कई बुलंद स्मारकों को देखा जा सकता है। उनके समय की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है चंदेरी का कोशक महल। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने सन 1438 में कई महीनों की घेराबंदी के बाद चंदेरी शहर पर कब्जा कर लिया था। 16वीं शताब्दी में जन्मे फारसी भाषा के इतिहासकार और यात्री फरिश्ता की किताब तारीख ए फरिश्ता में चंदेरी के कोशक महल का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार सन 1445 में सुल्तान महमूद खिलजी ने इसे तब बनवाया था जब वे चंदेरी में थे। कालपी की लड़ाई में सुल्तान महमूद शर्की पर अपनी जीत की यादगार के रूप में सुल्तान खिलजी ने ये महल बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसका असली नाम कुश्क ए हफ्त मंजिल था, जिसका मतलब है सात मंजिला इमारत। आज यहाँ सिर्फ तीन मंजिलों और चौथी मंजिल का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है। ये भी माना जाता है कि कोशक महल के निर्माण की शुरुआत सात मंजिला इमारत के रूप में ही हुई थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि ऊपरी मंजिलें समय के साथ ढह गई, जबकि अन्य का मानना है कि सात मंजिला भवन बनाने की योजना कभी पूरी ही नहीं हो पाई थी। स्थानीय कथाओं के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि इस महल के निर्माण का असली कारण चंदेरी के लोगों को रोजगार देना था, क्योंकि उस दौरान यहां के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। आज कोशक महल का जितना भी हिस्सा बचा है उसे देखकर इसकी भव्य इस्लामी वास्तुकला का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये महल दरअसल एक ही तरह के चार महलों का एक परिसर है, जो एक दूसरे से समान दूरी पर खड़े हैं। इन महलों के बीच में खुले गलियारे हैं। ये महल स्थानीय सफेद सैंडस्टोन से बना हुआ है। बाकी मंजिलों के मुकाबले महल की सबसे ऊपरी मंजिल सबसे ज्यादा अलंकृत और सुंदर है। महल में जाली का नफीस काम और खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। इस महल की वास्तुकला को देखकर मालवा सल्तनत के दौर में मौजूद रही भव्य वास्तुकला को समझा जा सकता है। अगर आप चंदेरी जाएं, तो यहाँ के किले और अन्य स्मारकों के साथ कोशक महल को देखना बिल्कुल ना भूलें।